हेलो एवरीवन वन ट्रू आई एस एन पी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है कंटिन्यू करते हैं लोग हम लोग अपनी डिस्कशन को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही चैप्टर स्टार्ट करा था नेचुरल इकोसिस्टम हमने बायोम का कंसेप्ट तो बहुत डिटेल तरीके से समझ लिया था अब वो हमें ये बोल रहा था ना जो राइटर था कि बायोम का कंसेप्ट जब हमें समझाया गया था तो हमें ये बोला गया था ना कि लैंड के जो रीजन्स हैं वो वेरियस प्रकार के होते हैं है ना श्रेय और उनके बेसिस पर जो चीज़ें क्लासीफाई होती है उनको बायोम्स बोला जाता है यानी कि अलग अलग लैंड अलग अलग लैंड रीजन और उसका मतलब निकल कर आता है कि अलग अलग प्रकार के बायोम्स राइट right? है ना एक बार के लिए बायोम की डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं जो जमीन वाला पार्ट होता है बायोस्फीयर का बायोस्फीयर के अंदर वैसे तीन पार्ट होते हैं फटाफट जल्दी बताओ कौन कौन से पार्ट होते हैं बायोस्फीयर के अंदर लैंड एयर वाटर इनमें से बायोम की डेफिनेशन के लिए मैं किसको चेरी पिकिंग करूं लैंड को ठीक है ये ना बहुत सारे रीजन के अंदर डिवाइडेड होता है और इन्हीं रीजन को हम लोग बोलते हैं बायोम्स यानी कि जितने प्रकार के लैंड और टेरेस्ट्रियल रीजन उतने प्रकार के बायोम्स एंड बायोम्स जो होंगे वो किसके बेसिस पर क्लासीफाई होंगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे टेम्परेचर क्लाइमेट वेजिटेशन फ्लोरा फोना सॉयल ये सब चीजें ठीक है और एक बायोम कहां तक फैल रखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है डिटरमाइन करने वाला क्लाइमेट चलो इतनी बुद्धि तो आप लोगों में आ गई है अब आगे बात करते हैं देखो क्या है कि बायोम्स ना अलग अलग प्रकार के जो दे रखे हैं अब कोई जो स्टूडेंट होगा ना जो कैजुअल रीडिंग मार रहा होगा तो वो डायरेक्टली ना अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर देगा कि हाँ चलो ठीक है मैं तुंदरा बायोम को रट्टू तोते की तरह रटना स्टार्ट कर देता हूँ हमें ना एक मिनट के लिए पॉज लेना चाहिए क्यों टेक्स्ट तो जो चीज़ें लिखी होती हैं वो तो हर कोई याद कर लेता है लेकिन जिस जो डायग्राम्स होते हैं मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हर एक लेक्चर के अंदर डायग्राम्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है डायग्राम्स की ज़्यादा वैल्यू होती है ये एक ऐसा डायग्राम है यह तो आप ऐसा मान लो कि अपने शरीर पर इसका टैटू करवा लो ऑर्डर में बिल्कुल सारी चीजें लर्न कर डालो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करते हुए सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा आपका एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी कैसे अभी प्रूफ करते हैं इस बात को सबसे पहले तो आपके साम सामने ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपको टाइप्स ऑफ बायोम्स के बारे में बता रहा है देखो टाइप्स ऑफ बायोम हमारा टॉपिक है अब कह रहा है नीचे जितने हिस्से हैं वो गर्मी वाले लैंड ए रीजन हम यहां से वार्म डेजर्ट से होते हुए कोल्ड डेजर्ट बोरियल फॉरेस्ट तुंदरा और पोलर यानी कि हम जब भी ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे इस में यानी कि लेयर वन टू थ्री फोर फाइव वन से फाइव तक अगर जा रहे हैं तो ये रीजन ठंडे होते चलेंगे और फाइव से वन तक आ रहे हैं तो गर्माहट बढ़ती चलेगी एक तो ये चीज समझ में आ गई वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्या कह रहे हैं लेफ्ट से राइट right बढ़ेंगे लेफ्ट मोस्ट सबसे ड्राई रीजन होगा राइट right मोस्ट सबसे गीला वाला ह्यूमिडिटी वाला रीजन होगा यानी कि अगर वेटनेस बढ़ानी है तो लेफ्ट से राइट right मूव करना पड़ेगा ड्राइनेस बढ़ानी है तो राइट right से लेफ्ट मूव करना पड़ेगा सिर्फ इस कंसेप्ट के बेसिस पर मैं आपको बताऊं अब आपका टाइम कैसे बचेगा देखो अब आप क्वेश्चन देखो एक बारी मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं आपने मान लो ये पूरा चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट कर लिया आपने सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ये जो बायोम्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम है एक आपने सब कवर कर लिए आपको बहुत अच्छे से पता है अब ना इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इतना सारा कंटेंट है आप एग्जाम में बैठे हुए पर क्वेश्चन जो फिल्म का होता है उसमें 50 सेकंड्स में आपका वो सॉल्व हो जाना चाहिए एक जो डेडिकेटेड या सीरियस बच्चा है तो उसको 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए अगर लग रहे हैं उसको जिस जो क्वेश्चन उसको पता भी है लेकिन उसमें फिर भी उसको फिफ्टी सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो यानी कि उसने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रखी है ये फिल्म की बात कर रहा हूं मैं फिफ्टी सेकंड्स ही लगने चाहिए मैक्सिमम पर क्वेश्चन ठीक है अब क्या है मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं जैसे देखना अगर मैं आपको यह बोलूं जो टेम्परेट डेसीजुअस फॉरेस्ट है इट इज कोल्डर देन सवाना रीजन हो सकता है आप एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाओ ये स्टेटमेंट अगर दो आ जाए एक स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं बोरियल फॉरेस्ट आर कोल्डर देन प्रेरीस स्टेटमेंट नंबर वन दूसरा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रा, ग्रास आर ड्रायर देन ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कैन यू इमेजिन श्रेया कि कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है हमारे एग्जाम के अंदर कितना ज्यादा और हमारा ईगो कैसे अड़ जाता है एग्जाम के अंदर कि प्रधान्य हम क्या कहेंगे मैंने तो ये चीज पढ़ी है मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहूंगा करके ही रहूंगी अब बच्चों का दिमाग आ जाएगा श्रेया वो ये जो नीचे का उन्होंने कंटेंट पढ़ रखा होगा ना वो उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने ए फोर शीट पर नोट बना रखे होंगे रेड पेन ब्लू पेन ये वो फलाना डिकमा लड़कियां वैसे बहुत नोटंगी करते करते सारे रंग के पेन पटक देती हैं नोट्स बनाते हुए वो सारा अपना ध्यान लेकर वहां पर जा रहे होंगे ए फोर शीट्स पर अगर मैं श्रेया ये कहूं कि ये सिर्फ अगर किसी को ये वाला चीज याद हो वो रफली इसको बगल में बना ले या फिर जस्ट इमेजिन भी कर ले इसको तो उसको आराम से सारी चीजें नहीं याद आने की एग्जाम के अंदर बताना एलिमिनेशन यहां से पॉसिबल नहीं हो जाएगी आराम से रहते रहते के नीचे का फालतू का कंटेंट पढ़ो है ना तो बस आपको क्या सीखना है आपको ये ऑर्डर एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए तो ये आज का आपका होमवर्क भी है कि आप ये सारा का सारा याद कर लोगे बिल्कुल और ये होमवर्क ऐसा नहीं कि मुझे करके दिखाना है ये आपको अपने आप को करके दिखाना है कि आप ये सारा का सारा आज ये याद कर लोगे क्या वार्म डेजर्ट सबसे ड्राई उससे कम ड्राई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फिर सवाना फिर ट्रॉपिकल डेसिजस फॉरेस्ट बेट हो जाते हैं और उनसे भी ज्यादा बेट हो जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन सबसे ज्यादा वार्म डेजर्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना ट्रॉपिकल डेजस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब क्या है से ज्यादा ठंडे रीजन जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड डेजर्ट प्रेरीज़ एंड टेम्परेट फ़ॉरेस्ट। जो सवाना होगा ना सवाना बिल्कुल बीचों बीच में लाइक कर रहा है, देख रहे हो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सवाना रीजन हैज नीदर ड्राई क्लाइमेट नॉर वेट क्लाइमेट बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है ट्रॉपिकल डेफ्यूजस फॉरेस्ट हैज मोर मॉइस्चर देन सवाना रीजन ये स्टेटमेंट ठीक है ट्रॉपिकल डेफ्यूज फॉरेस्ट हैज मोर मॉइस्चर देन सवाना रीजन है ना प्रेरीस आर मच कोल्डर देन सवाना ठीक है तुंद्रा तुंद्रा टाइप ऑफ वायोम कोल्डर देन कोल्ड डेजर्ट अब देखो प्रधान देखना जरा अभी तो हाँ कर रहे हो क्योंकि स्क्रीन के सामने है एग्जाम के अंदर श्रे कर क्वेश्चन आ जाओ हमारे सामने जब कोल्ड डेजर्ट लिखी रखा हो हमारी हिम्मत होगी प्रायोरिटी दे दें अगर पढ़ना रखा हो तो कंफ्यूजन होगी ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपका जो आप ये चैप्टर मेरे साथ जितना मर्जी पढ़ लो ये सब बकवास है ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा उसकी तो गारंटी मैं ले रहा हूं वो तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन अगर आपको ये ये याद है ना ये डायग्राम अगर याद है आपने इस पेश के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया अगर अच्छे से और ऐसा नहीं है कि इसको एक दिन में पढ़ने के बाद आपको आपको याद हो जाएगा इट इज जस्ट लाइक कि टाइम टाइम टू रिकॉल करते रहो ये ऐसी कि ये ऐसी चीजें ना आपके पास हैंडी होनी चाहिए जैसे तो यूपीएससी में कहते हैं ना कुछ कुछ नोट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए है कि जिनको आप वीकली हफ्ते में या रात को सोने से पहले थोड़ा थोड़ा देखते जाओ ये उनमें से कैसी चीज है क्यों अगर आपके पास ये चीज है ना तो आप ना ये नेचुरल इकोसिस्टम का जो चैप्टर है इसकी रीडिंग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये अपना थ्री मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा का काम कर सको क्योंकि ये एंड की बात मैं कर रहा हूं जिस जिस महीं, जिन महीनों में हमारे एग्जाम्स हुआ करेंगे क्यों क्योंकि आप कहोगे हायर पोलर रीजन मैंने पढ़ रखा है अच्छा इसके ये फीचर्स होते हैं ऐसे ऐसे होता है क्योंकि वो आप नीचे पढ़ी लोगे अच्छा तुंदरा में ये चीजें पाई जाती हैं बोरियल ये होता है और फिर जब आपको याद होगा अच्छा हाँ मैं इसके बेसिस पर ये तो बना ही सकता हूँ ये तो बना ही सकती हूं कौन ज्यादा ठंडा है किस में किस में ड्राई क्लाइमेट है किस में वेट क्लाइमेट है सबसे ऊपर तो पोलर होता है सबसे ठंडा नीचे वाले क्या है कंफ्यूजन ना सिर्फ इसमें क्रिएट करेगा एग्जामिनर सिर्फ इसमें क्योंकि टर्म ऐसी है हमें यह नहीं पता वेट कौन सी ड्राई कौन सी ठंडे कौन से उससे कम ठंडे कौन से ज्यादा गर्म कौन से आप अगर इसी में से देख लो सेकेंड लेयर पे मैं जाऊं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं टेम्परेट डेसीजुअस फॉरेस्ट आर मॉइस्चरस एन प्रेरीज बताओ राइट right, है ना लेकिन एक बार बताओ हमें तो अभी तक प्रधान ने इसका मतलब पता ही नहीं है ना कि ये फॉरेस्ट होता किस प्रेरीज क्या होते हैं और अगर पता लग भी जाए तो इतने सारे टाइप ऑफ देख रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ग्यारह तरीके के हम बायोम्स पढ़ने वाले हैं इसके अलावा ये तो हो गया बायोम जो कि टेरिस्ट्रियल इको से कनेक्टेड होता है इसके अलावा फिर हमें यह भी तो पढ़ना है एक्वेटिक इकोसिस्टम इक्वेटिक इको सिस्टम ही तो पढ़ना है हम हमारे अंदर कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है जरूर और देखो ऐसा नहीं है कि आप मतलब नीचे वाले अटेक्स को पढ़ने के बाद इनका आंसर नहीं कर पाओगे मैं आपसे कर रहा हूं टाइम सेव करने की बात पचास सेकंड का गेम तो सिर्फ इसी डायग्राम से हो सकता है नीचे वाले कंटेंट से नहीं हो सकता है ठीक है बंदा कितना भी होशियार हो लक्ष्मीकांत का जब पहले चैप्टर से क्वेश्चन निकलते हैं ना चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एग्जाम में बैठ के बंदा सोचता है कि अच्छा यार ये वाले एक्ट में क्या फीचर्स थे उस वाले एक्ट में क्या फीचर्स थे क्रोनोलॉजी उसके दिमाग में चलती है कि अच्छा ये पहले आया था कि वो बाद में आया था होता है कि नहीं होता ऐसा यही चीज है यहां तक शेरा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें नहीं ना अब देखो अब हम लोग अब हम लोग ना अलग अलग प्रकार के बायोम्स पढ़ते हैं एक है उनमें से तुंदरा तुंद्रा के कुछ प्रकार हैं दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है फॉरेस्ट की फिर कैटेगरी है ग्रासलैंड्स की और फिर है डेजर्ट की कैटेगरी तुंद्रा के अंदर दो आते हैं आर्टिक बायोम आर्टिक तुंद्रा बायोम एंड एल्पीन तुंद्रा बायोम फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तैगा फॉरेस्ट जिसको बोरियल बायोम बोलते हैं इसको एवरग्रीन कॉर्फेरेस फॉरेस्ट भी बोलते हैं टेंपरेट डेजिजस बायोम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं यहां का क्लाइमेट ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है टेंपरेट रेन फॉरेस्ट बायोम सब ट्रॉपिकल डेसीज बायोम ईस्टर्न चाइना सर्दर्न ईस्टर्न यूएसए में पाए जाने वाले टेम्परेट डेसीज बायोम मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं यहाँ के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल डेसीज बायोम मानसून क्लाइमेट सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम ग्रासलैंड जो होते हैं स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम जो कि यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल श्रॉपलैंड और ग्रासलैंड मिलते हैं डेजर्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड मिड लेटिट्यूडनल डेजर्ट बायोम होते हैं अब मैं आपकी फीलिंग को बताता हूं कि सर अब बक तो बहुत अच्छा गए घंटा कुछ समझ में नहीं आया हमें आपने बका तो बहुत अच्छा अच्छा सारे आपने सारी टर्म्स आपने डे नोट करी एक सिंगल शब्द भी हमें घंटा समझ में नहीं आया इसके अंदर से सब बकवास मूड खराब कर दिया इस पेज ने हमारा ये फीलिंग पक्का ही होगी इन श्रेया पहली क्लास में आपको ये देखकर तो ये सवाल उठ गया होगा मन के अंदर मैं यूपीएससी कर सकती हूं कि नहीं डोंट वरी ये जो पूरा का पूरा जो पेज है अभी इसकी रेलिवेंस कुछ भी नहीं है ना लेकिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद थाउजेंड परसेंट गारंटी देता हूं दूसरों का मजाक उड़ाते फिर हो फिरोगे भाई यार इधर आइयो जरा बताइय सवाना या ट्रॉपिकल डेफ्यूज बायोम से कैसे अलग होता है ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मेटेरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से कैसे अलग होता है ये इसी को तो जानने बैठे हैं हम लोग हम लोग क्या करने बैठे हैं ये टाइप्स ऑफ बायोम्स और नेचुरल इकोसिस्टम्स ही तो हमारा चैप्टर है एक एक करके इनके बारे में बातें होंगी गहराई से जानते चलेंगे एक एक करके सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे ये तो बस इंटु... आप ये मान लो इंडेक्स था ये तो आपका नाम ही तो है चलो अब नाम की खुदाई करते हैं चल के टेंशन वाली क्या बात है मां के पेट से निकलकर पहले दिन ही ए बी सी डी थोड़ी ना बोलना सीख गए थे वो भी तो जाने ही है ना ये भी जान जाएंगे तुंद्रा वायुम हमें सबसे पहले तो एक चीज सीखनी पड़ेगी जब ये तुंद्रा वायुम बोल रहा है तो उस बायोम की ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है तुंद्रा एंड <coughs> तुंद्रा के अंदर दो ही प्रकार के बायोम होते हैं एक आर्टिक तुंद्रा बायोम एंड दूसरा एल्पाइन तुंद्रा बायोम ओके okay. अब यहां पर हमें सच्ची बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ मुझे का आंसर दो इस पूरे कंसेप्ट में आप लोगों को सिर्फ यही पता है ना अगर मैं बोलूं तो मान लो कि मुझे भी नहीं पता आगे का टेक्स्ट क्या है ये क्या होता है नहीं पता अभी तक लेकिन जिस चैप्ट जितना चैप्टर को हम लोग पढ़ कर आए हैं क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अभी तक हमें सिर्फ यही पता है कि ये जो बायोम की बात कर रहा है हर शब्द में जो बायोम है ये मुझे काइंड ऑफ लैंड या फिर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की क्लासिफिकेशन बता रहा है क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मुझे ना अभी यहां पर आर्टिक वर्ड का मतलब पता है ना एल्पाइन वर्ड का मतलब पता है ना तुंदरा वर्ड का मतलब पता है एग्री मुझे सिर्फ बायो वर्ड का मतलब पता है लेकिन क्या मुझे एक चीज तो पता है ना ये तुंद्रा अगर वर्ड है तो ये लैंड में पाया जाएगा इतना तो पता है ना तो आपका एक सबसे पहले बच्चों वाला क्वेश्चन यही बन जाता है तुंद्रा इकोसिस्टम किस चीज का पार्ट है एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल या बोथ बताओ Christian. आप कहोगे क्या बकवास का क्वेश्चन पूछ रहे हो जब आप खुद ही हिंट दे रहे हो कि तुंदरा बायोम कहां का पार्ट है लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जामिनर ये भी तो कर सकता है तुंदरा इकोसिस्टम कहां पाया जाता है आप बताओ कंफ्यूजन हो सकती है कि नहीं हो सकती बताओ लैंड लैंड पे पाए जाने वाला जो इको होता है वो तुंदरा होता है इसलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद करनी है हाँ एक बात और आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर ये इस डायग्राम के बारे में आपने बात नहीं करी ये देखो ये जो एमीबा फंगई वगैरह ये सब जो यहाँ पर चोच से चोंच लड़ा रहे हैं ना ये पता नहीं क्या ही डायग्राम है इसको क्या ही बोलूँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल भी नहीं सकता मैं इस वर्ड को ठीक है यहाँ पर नहीं आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ते चलोगे ये गीले रीजन होते चलेंगे बारिश होती बारिश होती चलेगी और यहां पर आप ऊपर बढ़ते चलोगे तो गर्माहट बढ़ती चलेगी क्योंकि नीचे है माइनस का टेम्परेचर और ऊपर है थर्टी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अब देख लो देख रहे हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या था ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब रेन फॉरेस्ट है तो सबसे ज्यादा गीले ये होंगे क्योंकि ये चार सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन करेंगे और यहां पर टेम्परेचर भी हाई होता है क्योंकि आपको पता है ना हमेशा हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हॉट के साथ हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं हॉट एंड हॉट एंड ह्यूमिड है हॉट एंड चाटा मारो अपने चाटा मारो अपने ये तो वही वाली बात हो गई मैं जब पूछता हूं कि जंगल का राजा कौन कौन होता है जंगल का राजा कौन होता है जंगल वो मोगली और ये पंचतंत्र की कहानियां छोड़ के अगर आपको बताऊं जंगल का कोई राजा नहीं होता तभी तो उसको जंगल रूल कहते हैं उथल पुथल मच रखी होती है पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड को हम लोग कहते हैं एनआर की तो चलो अब हमने तुंदरा बायोम को समझते हैं और ब्रॉडर कैटेगरी ब्रॉडर कैटेगराइजेशन में हम इसको तुंद्रा ही बोलते हैं ठीक है और इसके लैंड फीचर को समझते हैं क्योंकि यहां पर जब वर्ड आई गया है हमारे सामने बायो तो इसको जानते हैं हम एक एक बार बहुत अच्छे से कि कैसा होता है कैसा दिखता है क्या होता है ठीक है दो तरह के तुंद्रा होते हैं दोस्तों एक होता है आर्टिक तुंद्रा एक होता है एल्पाइन तुंद्रा मैं डिटेल डिस्कशन जो इसकी है ना आपको जब जोग्राफी करवाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको हालांकि वो हमें पी की बुक से नहीं करनी है वर्ड टू वर्ड मैं पी एम की बुक से नहीं पढ़ाने वाला जोग्राफी जोग्रफिकली हमारे सोर्सेज डिफाइंड हैं तमिलनाडु एंड नॉर्मल एनसीआर लेकिन मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा राइटर यहाँ पर आपसे खुद कह रहा है कि ये चीज ना आपको जो पी की क्लाइमेटोलॉजी वाला जो सेक्शन है क्लाइमेटिक रीजन में जाकर मिल जाएगा लेकिन इधर के लिए हम इसको सिर्फ एनवायरमेंट एंड निकोलॉजी के परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे और बात भी सही है अगर मैं आपको बताने बैठ गया ना डिटेल में तो वो आपका फिर क्लाइमेटोलॉजी वाला एडवांस जो लेवल का टॉपिक होगा ना वो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा फिर वो पूरा चैप्टर ऐसा है कि मुझे ये बोलना पड़ेगा ये हम कर चुके हैं इस चैप्टर को अब हम डिस्कस नहीं करने वाले वो मैं नहीं कहना चाहता मैं उसको ऐसा करवाऊंगा कि अपार्ट फ्रॉम एन्वायरमेंट एंड निकोलॉजी आप यहां पर भी जान जाओ तो वहां पर भी और ज्यादा जान सको तुंदरा बायो दो तरह के तुंद्रा होते हैं दोस्तों एक होता है आर्टिक तुंदरा दूसरा होता है एल्पाइन तुंदरा सबसे पहले तो ये वाली बात आप याद रखना अब जो ये एल्पाइन तुंदरा होता है नाम से ही पता लग जाएगा एक तो आपको ऐसा नहीं है आपको टर्म समझ में नहीं आएंगी दोनों के दोनों ये जो रीजन हैं ये ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे सबसे पहले तो ये ये याद रखना आप कि तुंदरा एक लैंड के साथ एसोसिएटेड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ एसोसिएटेड एक चीज होती है और ये ना ठंडी जगह पर पाया जाता है कोल्ड रीजन ओके हम एक बारी अगर इसको पकड़ें कहां मिलेगा हमें इधर पोलर रीजन से एक स्टेप नीचे अब मुझे बात बता दो यहां पर तो ड्राई और वेट का कुछ मतलब ही नहीं बनता है कि इधर से इधर तक हम जाएंगे ड्राई और वेट हो जाएगा लेकिन जब कोई जगह बहुत ठंडी जगह होती है तो उधर क्या होता है कोल्ड के साथ साथ कैसा क्लाइमेट होता है कोल्ड प्लस ड्राई अश्रीत तुम्हारी गाड़ी वाली ओसे नहीं है जिसपे तुम पापा की गाड़ी पे हॉ हो करते हो ये ए बना देती हो सर्दियों में बी बना देती हो ये वो नहीं है यहां ओस नहीं गिरती गिरतींद्रा रीजन है अशप्रीत कभी अपने बंदे के साथ जाना ट्रॉप हिमालय के पहाड़ों पर तो आपको पता लगेगा वहाँ ओस नहीं होती सिर्फ आपको कोल्ड चढ़ेगा तो एल्पाइन तुंद्रा है इट अकर्स एट हाई माउंटेन्स अब द ट्री लाइन यानी कि पृथ्वी पर जो पेड़ पेड़ एक पर्टिकुलर हाइट पर जब पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पेड़ यहां पर कौन से लेवल पर पाए जाएंगे अगर मैं इसको मार्क कर दू लेवल वन टू थ्री फोर फाइव बताओ फाइव कौन से लेवल तक सबसे नहीं नहीं सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे पेड़ फाइव में कहां पाए जाएंगे पोलर रीजन में पाए जाएंगे सबसे ज्यादा पेड़ वन में यार वन में क्या हो गया है ठीक है उसके बाद मुझे बताओ पेड़ों की संख्या हाईएस्ट लेवल तक कहां तक पहुंचेगी जिसके बाद पेड़ कम होते चलेंगे कौन से लेवल को ब्रीच करने के बाद ही पेड़ों की संख्या कम होती चलेगी थ्री के बाद किसने बोला ये वेरी गुड श्रेया इसके बाद क्योंकि ठंडे रीजन आ जाते हैं ठंडे रीजन में आपको पता होगा वेजिटेशन नहीं पनप पाती अच्छे से ठीक है जो एल्पाइन तुंदरा है इट अकर्स एट हाई माउंटेन्स अब ट्री लाइन जहां पर पेड़ जो होते हैं ना उनकी संख्या जब कम होने लग जाती है उसके बाद जो होता है वो का रीजन आता है ठीक है एग्जाम्पल हिमालय की हाई रेंजेस में एंडीज माउंटेन रेंज एंड एल्स माउंटेन रेंज यहां पर आपको देखने को मिलते हैं हिमालयस जो है वो कहां की माउंटेन रेंज है एशिया एंडीज कहां की है साउथ अमेरिका एल्प्स कहां की हैं कहां पढ़ा था ये सिक्स क्लास जोग्राफी है ना ये पूरी की पूरी ना माउंटेन चेन है ओके मैं आपको दो टर्म बता देता हूं श्रेया प्रधन्या जब भी एक सिंगल कोई ऐसी चीज हमें दिखे ये होता है पहाड़ जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं माउंटेन माउंटेन की लेकिन एक खास बात ये होती है वो 600 मीटर से ज्यादा की हाइट पर होना चाहिए श्रेया ठीक है राइट जब नंबर ऑफ कोई भी माउंटेन देखो सोलो तो एग्जिस्ट करे ऐसा बहुत ही कम होता है माउंटेन हमेशा चेंज में एग्जिस्ट करते हैं ना मतलब पूरी की पूरी एक लाइन बनी रहती है ना या तो वो ऐसे जा रहे हैं आ, साउथ नॉर्थ ऐसे करके जा रहे हैं या फिर वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं है ना? जब माउंटेन बहुत सारे एक चेन में जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन चेन सिमिलरली जब एक टापू कोई होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड लेकिन नंबर ऑफ आइलैंड जब एक साथ जुड़े हों उसको हम लोग बोलते हैं तो को तो प्रधन्या श्रेया अर्पित सबको वाली टर्म समझ में आई माउंटेन और माउंटेन चेन के बीच में डिफरेंस और आइलैंड और आर्की को के बीच में डिफरेंस समझ में आया आरकी को कैसे अलग है आइलैंड से क्लस्टर ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन चेन माउंटेन से कैसे अलग है अगेन क्लस्टर ऑफ माउंटेन माउंटेन की हाइट किससे ऊपर होनी चाहिए जब तब हम उसको माउंटेन बोलेंगे सिक्स हंड्रेड लेकिन अगर वह सिक्स हंड्रेड मीटर से कम है तब हम उसको क्या बोलेंगे हिल लेकिन हिल क्या होता है दो सौ मीटर से छे सौ मीटर एंड दो सौ मीटर से भी जिसकी कम हाइट है उसको क्या बोलेंगे प्लेन अब आप कहोगे हिल और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है हिल का जो ऊपर टॉप होता है वो कोनिकल होता है होता वो भी 600 सौ से नीचे नीचे का है एंड जिन हिल्स का सरफेस जो है वो ऊपर से फ्लैट बन गया फ्लैटलैंड बन गया वो बन जाएगा प्लेट्यू एंड प्लेट्यूज आर रिसोर्स ऑफ और इसलिए सबसे ज्यादा माइंस कहां पाई जाती हैं प्लेट्यू रीजन में इतनी बात तो चलो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब क्या होता है ये तो हो गई एल्पाइन तुंदरा की मतलब ये अल्पाइन तुंद्र, तुंदरा की बात हो गई अब हम लोग एक बड़ी जर्नल तुंदरा को पकड़ते हैं डिफ्रेंशियट नहीं करेंगे कि आर्टिक रीजन वाला है, एल्पाइन रीजन वाला बस आप ऐसा समझ जाओ ये जो ठंडे वाले पहाड़ हैं हिमालयस एंडीज और एल्प्स इनके टॉप पर हाई रेंजेस पर ये आपको एल्पाइन तुंद्रा मिलेगा अब तुंद्रा रीजन की खास बात ये होती है वहां पर ना जर्नली कोई भी ट्रीज नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जो मिट्टी है जिस पे पेड़ घास पेड़ पौधे टिके रह सकते हैं वो छुप गई है उसको ढक लिया है बर्फ ने और सर्दी इतनी पड़ रही है कि जीरो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां पर और बर्फ ने लगातार जमीन को घेर लिया है फॉर एटलीस्ट टू ईयर्स लगातार और जब कोई ऐसा फिनोमेना होता है कि जमीन की मिट्टी जो कि उपजाऊ हो या अनुपजाऊ हो उससे हमारा मतलब नहीं है लेकिन वो बर्फ के नीचे दबकी रह गई है लगातार दो सालों के लिए उस जगह को उस ग्राउंड को हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन तो आपका परमाफ्रॉस्ट भी कंसेप्ट क्लियर हो गया एक ऐसा ग्राउंड जो कि कंप्लीटली फ्रोजन रहता है जीरो डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा ठंडा रहता है माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा और ये कितने टाइम तक ढका रहना चाहिए मिनिमम दो सालों तक तो ट्रीज नहीं हो पाते बड़ी ही मुश्किल से कोई ग्रास हो जाए तो हो जाए ओके okay. यहां पर जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन तो देखने को मिलती है आपको लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या मतलब छोटी से छोटी वेजिटेशन तो देखने को मिलेगी बड़ी तो हो ही नहीं सकती यहां पर कोई पेड़ पौधे तो खड़े नहीं होंगे लंबी लंबी ग्रासेस जो होंगी पांच पांच फुट की चार चार फुट की वो तो हो ही नहीं सकती तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन जो कि यहां पर देखने को मिलती है वो होती है मोसिस एंड लिचेंस की लेकिन यह भी ना ऐसा है कि जो ना आपको उधर जो चट्टाने या कुछ जो रॉक्स होंगी जैसे देख रहे हो ये रॉक्स हैं इन पे देखने को मिलेंगी बेयर रॉक्स पर लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर स्पार्सली का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज अब आप कहोगे ये टर्म सुनाया जरा इसका मतलब समझा दो मॉस और लेचन का अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो मॉस होता है ना वो एक प्लांट होता है और जो लिचिन होता है लिचिन आपको कहां मिलता है लिचिन ना आपको नहीं नहीं मतलब मैं वैसे बता रहा हूं मिलेगा कहां वो आपको फंगाई और एलगे के बीच में ये सैंडविच होता है सैंडविच होने का मतलब ये है जब भी फंगाई और एलगे का संगम होगा तो उनके बीच में लिचिन मिलेगा आपको यानी कि आप इसको प्लांट कह सकते हो क्या नहीं लेकिन बुक्स गलती करती हैं वाली। मॉसेस और लिचिन को एक कैटेगरी में रख देती हैं एंड इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं एक बार ताकि ना कंफ्यूज ना हो क्योंकि दिखती एक जैसी है याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है इतने डेप्थ में जाकर क्वेश्चन आ रहे हैं मोसिस एंड लिचिन ये देखो दोनों पहले दोनों के देख लो कैसे दिखते हैं ये मॉस और लिचिन है एक जैसे ही दिखेंगे आपको जनरली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये देखो एक जगह पर हो सकता है दोनों भी हो जाएं कुल मिलाकर ऐसा दिखेगा कि पेड़ों के ऊपर जैसे जो काई जम रखी है अभी यहां पर मौस और तो लिचिन दोनों है लेकिन फर्क बताना ना बहुत मुश्किल होता है और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं मौस एक सिंपल प्लांट होता है जो है वो फंगाई और एलगे के बीच में एक सैंडविच स्ट्रक्चर सैंडविच ऑर्गेनिज्म होता है सॉरी स्ट्रक्चर कह रहा हूं सैंडविच ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट इनमें से क्या है यानी कि मॉस लेन क्या है एक प्रकार से आप उसको एनिमल कह सकते हो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो अब यहां पर एक गलती करी है बुक ने एक दो गलतियां करी जैसे कि लेचिन वाली बात इसको समझानी चाहिए थी दूसरी यहां पर ना इस टर्म को दोस्तों काट दो ये कोई मतलब है ही नहीं कोस्टल लो लोलैंड यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ कोस्ट थोड़ी ना कोस्टल लो लैंडस नहीं इसको लिखना चाहिए था तुंद्रास कोस्ट कहां से आ गया यहां पर ये यह गलती हो गई इससे ठीक है और ये ब्लंडर है ये ये लाइन अगर आपने लिखकर कहीं लिख दिया अगर याद करके कहीं लिख दिया अगर ब्लंडर हो जाएगा ये कोस्टल लो लैंड्स कहाँ पर होंगे भाई जब ये है ही इतना आर्टिक रीजन की तुंद्रा रीजन की बात हो रही है तो कोस्ट कहां हो जाएगा यहां पर और लो लोलैंड तो प्लेन रीजन हो गया यहां प्लेन रीजन और इसके बीच में ये तो ये वाली बात कर रहा है कि लेवल वन और लेवल फोर की बात कर रहा है ये तो यहां पे लेवल वन और हम लोग पढ़ रहे हैं लेवल फोर इससे गलती हो गई है मिस या जो मर्जी हो गया कोस्टल लो लोलैंड तो शायद यहां पर आएगा ही नहीं कैसे भी करके एक और गलती हुई है मैं अभी आपको बताऊंगा अभी ठीक है तुंदराज जो है यहां पर ना जो रेंडियर होते हैं ना रेंडियर क्या होते हैं सेंटा क्लॉस देखा है किस पर बैठ के आते हैं जो एक फोटो बन रखी होती है वो जो बर्फ पे जो उनकी बग्गी चला रहे होते हैं वो जो डिया टाइप होते हैं जो बर्फ में वो रिंडियर होता है ये ये देखो इससे इससे रिलेट कर लोगे है ना ये रिंडियर है क्लोज हाथ में क्या लिया हुआ है इसको खिलाने के लिए रेंडियर मॉस इकलौता सिर्फ यही चीज है जो कि रेंडियर्स को पेस्चरेज प्रोवाइड करता है पेस्चर मतलब क्या होता है जब भी एनिमल्स कोई भी घास फूस चरते हैं ना तो उसको पेस्चर कहते हैं और पेस्चरेज क्या होता है एक ऐसी जमीन विच इज यूज फॉर ग्रेजिंग एनिमल जानते हो ना कि एनिमल्स का जैसे जो जाते हैं ओपन फील्ड में घास फूस खाने तो उसको चरना कहते हैं कि वो चरने जा रहे हैं ना जैसे प्रधन आप कुछ खा रहे हो मैंने आपसे पूछा क्या चल रही है वे है ना वही चीज यहां तक बात समझ में आप सबको तो ये खाते यही हैं इनके लिए यही उग पाता है यहां पर ठीक है और मैं आपको अगर प्रॉपर तरीके से दिखा दूं रेंडियर मॉस अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ ये जो रेंडियर मॉस है ना एक्चुअली रेंडियर मॉस नहीं होती है ये रेंडियर लेचन होती है जो कि रेंडियर खाता है लिख दिया जाता है उसको वैसे ऐसा रेंडियर मॉस लेकिन वो रेंडियर लेचिन है एक्चुअली एक तरीके से देखना प्रूफ करूं रेंडियर मॉस देख रहा हूं गूगल पे लिख कर क्या आ रहा है रेंडियर लेचिन सिर्फ बोल दिया जाता है वैसे उसको ऐसा ठीक है नाम दे दिया जाता है ये देखो रेंडियर लेचिन ऑल्सो एज रेंडियर मॉस एक्चुअली वो रेंडियर लिचिन ही होती है मैंने आपने क्या सीखा इनमें से क्या चीज प्लांट होता है मॉस के लिचिन मॉस तो एक बात लिख देना रेंडियर मॉस जब भी लिखने लगो ना पहले लेचन लिखना है ब्रैकेट में मॉस लिखना फिर ऐसा कभी आया नहीं किसी को लिखने के लिए लेकिन बस मैं क्योंकि डेप्थ में जाकर आपको चीजें बता रहा हूं तो आपको पता होनी चाहिए कि गलती इसने क्या क्या, क्या करी है क्योंकि ये वाला काम मेरा आइडेंटिफाई करना है ऐसा नहीं है मैं बुक्स को हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ एक बारी कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो एक एक लाइन को छाट वो मेरा काम है ठीक है अब क्या होता है गर्मियों के अंदर गर्मियाँ मतलब आई तो बर्फ होगी पिघलना स्टार्ट जो बर्ड्स होंगी ना वो माइग्रेट कर जाती हैं नॉर्थ साइड में क्यों जब बरा बर्फ जो है वो पिघल रही है थॉ का मतलब ये होता है आइस और स्नो बिकम्स लिक्विड या सॉफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वार्मिंग अप यानी कि बर्फ पिघल रही है अब जब बर्फ पिघल रही है तो जो अभी तक जो लैंड छुपा हुआ था वो अब एक्सप्लोर होना शुरू होगा जैसा कि आप इसमे इस इमेज के अंदर देख सकते हो ये घास फूस वगैरह ये सारा का सारा जो है ये आना शुरू होगा लेकिन ये आपको कैसे ये आपको जमीन अब कैसी लग रही है फ्रेश लग रही है या फिर सड़ा हुआ लग रहा है सारा सामान कैसा लग रहा है फोटो में मैं आपको जैसे एक बार के लिए ना परमा दिखाई दू ना सेम फोटो आएगी सेम पे क्या जो कि हम यहां यूज कर रहे हैं ये है ना ये आपको कैसा लग रहा है ये फ्रेश है कि सड़ा हुआ है सारा का सारा सड़ा हुआ है उसमें भी सोच रहे हैं बच्चे फ्रेश है आप क्या, क्या क्या खाने के बारे में सोच रहे हो उसको दिख नहीं रहा सड़ा हुआ है ये अब सड़ी हुई चीज पे क्या होता है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े वो पनपते हैं कि नहीं पनपते हैं है ना अब चिड़िया कोई बेवकूफ थोड़ी ना किसी कहीं भी उड़ के चली चलिए वाह यार हम यार ठंडक में बैठते हैं दूसरी चिड़िया से वो कह रही है चलो यहां बैठ के इश्क लड़ाएंगे वो बेसिकली इसलिए क्योंकि जब ये बर्फ पिघलती है ना और जब ये घास वगैरह ये जो पूरी की पुर पूरी जमीन होती है जब ये सड़ती है इस इसपे बड़े सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं इन चिड़िया इनको इनके ऊपर प्रे करने आती है इनको खाने आती है इनको अपना खाना बनाने आती है अब आपको पता है सर्दियों के मौसम में आप अगर आप नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया की या जहाँ से भी आप लोग बात कर लो सर्दियों के मौसम में इतने ज़्यादा जीव जंतु आपको देखने को नहीं मिलते हैं सर्दियों के मौसम में क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है डू यू एग्री मच्छर जितने आपको गर्मियों में देखने को मिलेंगे उतने सर्दियों में नहीं देखने को मिलते हैं या कोई भी जीव जंतु अगर आप उड़ने वाले आ, कीड़ों की बात करो या कहीं पर भी सर्दियों में नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा नहीं रहता डू यू एग्री अब इस पूरे रीजन में क्योंकि सदाबहार सर्दी पड़ रही है तीन दिन तो इंसेक्ट्स है शॉर्ट लाइफ साइकिल ठीक है और ये बेसिकली जब गर्मियों में बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है वो सर्दियों में ही पैदा होते हैं सर्दियों में ही मर जाते हैं बड़े सारे प्रकार के एनिमल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं अब ये सिर्फ एनिमल्स नहीं है एनिमल्स एंड प्लांट्स इसको लिखना चाहिए था ठीक है लाइक रेंडियर मैंने आपको दिखा दिया आर्टिक फॉक्स व्हाट इज दिस आर्कटिक फॉक्स ये है प्यारी सी आर्टिक यानी कि स्नो रीजन की लोमड़ी <laughs> पोमेरे ने ऐसी जगह काटेगा का ना बाम लगा सकोगे <laughs> मैं बोल पूछा ऐसी नहीं नहीं तुम लोग खुश तो बहुत हो पोमेरियन से लग रहा है ऐसी जगह काटेगा ना वाम भी नहीं लगा सकोगे और जब ये और जब ये पीछे भागेगा ना तो रुको रुकेगा भी नहीं वो ये ठीक है ये लोमड़ी है बच्चों फॉक्स ये वो पोमेरियन नहीं है ठीक है अच्छा एक बात मुझे आप लोगों को और बतानी है कि जब भी ना आपके बुक्स में श्रेया कभी भी किसी एनिमल्स का नाम आया करें ना तो अर्पित उसमें ना बिल्कुल भी हमें आलस नहीं दिखाना है हम मान लो कि उसकी इमेज हमारे सामने हम सब जानते हैं कि स्नो लेपर्ड कैसा दिखता होगा लेकिन बार बार ना गूगल क्रोम पे जाकर उसकी फोटो जरूर देखो उससे होता क्या है कि आपके ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कंसेट फीड हो जाएगा ये वाली एक्सरसाइज जब अभी से करने लगोगे ना श्रेया प्रधन तो जैसे पेपर पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आई लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है क्या नहीं है वो नहीं है तो ये वाली एक्सरसाइज ना वो एडवांस लेवल में जब हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे कई एंडेंजर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एक्सटेंट है आई की रेड लिस्ट में क्या आता है क्या नंबर है इसका क्या नहीं है कहां मिलता है तो वो सब चीजें करना आसान हो जाएंगी जब इनको देखते चलोगे बार बार तो ठीक है तो जब भी ये वर्ड आए सौ बार आ, आपने आज ये देख लिया कि हाँ चलो उसके बारे में हंसी मजाक हो गया कि पॉमेरियन जैसा दिख रहा है वो दिख रहा है फिर से गूगल क्रोम पे जाकर इसकी फोटोज देखो गूगल इमेजेस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर उसके बाद वुल्फ्स। आपने टाइगर जिंदा है एक था टाइगर का सेकंड पार्ट देखा होगा ठीक है ये होते हैं वुल्फ्स मस्क ऑक्स ये है मस्क ऑक्स एक ऑक्स होता है हमारे पहाड़ी इलाकों में भी मिलता है आप सब जानते हो है ना ये और ठंडी जगह पर मिलता है उसके बाद है पोलर बियर पोलर बियर एक मोड से गुजरता है छह महीने के लिए सोता है छह महीने के लिए खाता है कुंभकर्ण की तरह उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाइबर नेशन को प्रधान वाली हरकत है क्रिएटेड क्रिएटिव इमेज है सच्ची में नहीं है ठीक है नहीं कहीं सोचो है ऐसा भी हो रहा है कोका कोला कहां से पी रहे हैं दिस इज पोलर बियर प्रधन आपके लिए ठीक है उसके बाद लेमिंग दिस इज अ बर्फ वाला चूहा अब देख रहे हो श्रेया इससे छोटे छोटे कंसर्ट्स हमारे क्लियर हो सकते हैं ना मयूर के अगर कल को हमें ये चीज आ जाए कि कि लेमिंग क्या है बर्ड है ये क्या है है ना सुनने में ऐसा लग रहा था ना कि हल्का सा अगर आप इस पर गौर करो तो ये बर्ड का ऑप्शन भी फंसा सकता है हमें लेमिंग वर्ड अगर आ जाए तो है ना इसलिए कह रहा हूं कि बार बार देखते चलना है इसको फिर एक है आर्टिक हेयर ये खरगोश है थिंक ये है। फिर है आर्टिक बिलो आर्टिक बिलो ये होता है देखो बाकी सारे हमने एनिमल्स पढ़े और ये है दोस्तों प्लांट अब क्या करेगा इससे गलती क्या हो गई है यहां पर एक ये लाइन देखना काम गई ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ लॉन्ग 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 लाइफ लाइफ साइकिल एग्जाम्पल आर्टिक बिलो अब भाई एनिमल थोड़ी ना अभी तो देखा हमने यहां पर ये आर्टिक विलो है, ये आर्टिक है कोई एनिमल थोड़ी ना ये प्लांट है तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है ना यहाँ पर लॉन्ग लाइफ स्पैन जो वो कह रहे हैं इसको ज्यादातर यहां पर इसको नहीं, आर्टिक बिलो ना कह के आर्टिक हेयर यूज करना चाहिए वर्ड एंड लाइफ स्पेन इतना नहीं होता आर्टिक जो खरगोश मैंने अभी आपको दिखाया लेकिन अगर ये बात आर्टिक बिलो के बारे में ही कर रहा है तो यहां पर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसको वर्ड यूज करना चाहिए दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पेन डेढ़ सौ से तीन सौ साल तक ये वाले जो फूल या जो पेड़ हैं जो भी हैं ये खिलते रहेंगे यहां पर इनका लाइफ स्पेन लंबा होता है तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं अब आपको इस लाइन को, को सा लिखना क्या अल्टीमेटली आप ये बताओ तो आप यहां पर ये यह लिख दो most of the plants they have long life span arctic willow it has a life span of 150 to 300 saal 300 saal uske baad reptiles and amphibians are almost absent here reptiles kon hote hain kaun se animal jinki kya hoti hai पूछ वगैरह हो या skin हो जिसको भी स्किन को छोड़ दे कोल्ड ब्लडेड है ना ठीक है और एम्फीबियंस क्या होते हैं जो कि कहां पर रह लेते हैं दोनों जगह पर लैंड में भी और वाटर में भी एग्जाम्पल क्या होगा इसका और फ्रॉग और टो तो और क्रोकोडाइल। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं जितने भी अभी हमने एनिमल्स देखे क्या सबका थिक फर था यस yes. तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिलीनेस बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर और फर अभी एपिडर्मल होता है आउटर स्किन में जो भी आपके हेयर होते हैं वो उसको एपिडर्मल हेयर कहते हैं एंड क्यूटिकल ना बेसिकली क्या होता है अगर आपने यहाँ पर ना जो हमने वो देखा था चूहा देखा था तो आप पहले ये देखो यस ये फोटो परफेक्ट है ये है इसके नाखून और इस पर देख रहे हो ये पीछे बाल हैं और क्यूटिकल बायोलॉजी में किसे कहते हैं मैं आपको दिखा दूँ नाखून के पीछे जो हमारी डेड स्किन होती है उसको कहते हैं क्यूटिकल ये देखो ये ये होता है क्यूटिकल ओके एंड अगर मैं यहां पर जाके दिखाऊं आपको ये इसके पास भी नेल्स हैं इसके पास भी नेल्स हैं ये वाले ठीक है ये जमा के रख पाता है अपने आपको ओके मेमल्स अ लार्ज बॉडी साइज एंड स्मॉल टेल एंड ईयर्स ठीक है बॉडी साइज जरा ज्यादा बड़ा दिखेगा और जो पूछ है और जो कान है वो छोटे दिखेंगे टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस ये वाली चीज आप जानते हो बट ऑब्वियस होती है ना सर मतलब ठंडे इलाकों में रहने वाले उनकी और जैसे जो लोग जो जनरेशन ये भी जानते हो कि प्रया जो पहाड़ी इलाकों में जैसे रहते हैं या रशिया के बहुत ठंडे इलाकों में जैसे कोई लोग रहे तो उनके भी उनका भी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ जनरेशन बाद जाकर ऐसे ही बन जाता है, है ना अडेप्टेशन का प्रोसेस कहते हैं ना ऐसे श्रे है ना चीज है और बड़े सारे ऑर्गेनिजम इवॉल्व भी ऐसे होते हैं एडेप्टेशन के अलावा इवोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ना तो यहां पर जो मेमल्स होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है शरीर का और पूछ छोटी होती है और कान जो होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं ताकि जो हीट है वो लॉस ना हो ठीक है हाथी के कान बड़े क्यों होते हैं हाथी को गर्मी लगती है तो वो कान से क्या करता है फ्लैप करता है और उसकी वजह से क्या उसको क्या मिलती है राहत मिलती है किससे गर्मी से कैसे मिलती है हाँ ठंडक मिल जाती है अब तू पंखा करेगी तेरा, पर, तेरा पसीना नहीं उड़ेगा क्या क्यों आशमा है ना ये चीज है तो श्रेया कोई भी डाउट एक सिंगल डाउट भी रह गया ठीक है, है? प्रधन्या आपको समझ में आया सब कुछ ठीक है तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन